केबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें। राज्यसभा चुनाव को लेकर शिवसेना और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब शिवसेना उम्मीदवार को जिताने के लिए पवार फैमिली ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तो मुंबई के उपनगरीय बांद्रा इलाके में 3 मंजिला आवासीय इमारत ढहने से 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 18 अन्य लोग घायल हो गए हैं। वहीं मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में एक व्यक्ति ने एक युवती के साथ छेड़खानी की, उसने युवती के साथ मारपीट भी की। इस बीच अभिनेत्री महिमा चौधरी ने अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने रोते हुए कहा है कि कीमोथेरेपी की वजह से उनके सारे बाल चले गए हैं, पर हिम्मत नहीं टूटी है। तो उधर शाहरुख खान का एक बयान फिर से सुर्खियों में है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी को किस करने वाले के हम होड़ काट देंगे। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। राज्यसभा चुनाव को लेकर शिवसेना और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब शिवसेना उम्मीदवार को जिताने के लिए पवार फैमिली ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उनकी ओर से क्षेत्रीय दलों जैसे समाजवादी पार्टी और AIMIM से वोट के लिए संपर्क साधा जा रहा है। खबर है कि NCP ने सपा को शिवसेना उम्मीदवार को वोट देने के लिए मना कर दिया है। इस अभियान में शरद पवार के अलावा उनकी बेटी सुप्रिया सुले और डिप्टी CM अजित पवार भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक NCP समाजवादी पार्टी के नेता अबू असीम आजमी से शिवसेना उम्मीदवार के लिए अपनी पार्टी के 2 वोटों का वादा करने में सफल रही है। हालांकि आजमी ने पहले कहा था कि वो राज्यसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उसने उनकी पार्टी से किए गए वादों का सम्मान नहीं किया। कल मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा में हुई बैठक के बाद आजमी ने अपना फैसला बदल लिया। सूत्रों के मुताबिक आजमी को मनाने में अजित पवार की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन मुद्दों को सपा ने उठाया है उसे जल्द हल कर दिया जाएगा। इसके बाद NCP नेतृत्व ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से बात की। फोन पर बात के थोड़ी देर बाद आजमी ने कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि सपा के 2 वोट महाआघाड़ी के लिए जाएंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के उपनगरीय बांद्रा इलाके में 3 मंजिला आवासीय इमारत ढहने से 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 18 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 2 लोगों को मलबे से निकाला गया। नगर निकाय के अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास महाराष्ट्र नगर इलाके में स्थित ये इमारत बुधवार रात करीब 12:30 बजे ढह गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी, पुलिस और बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वार्ड कर्मी मौके पर पहुंचे। 2 लोगों को इमारत के मलबे से निकाला गया और इसके बाद तलाश एवं बचाव अभियान बंद कर दिया गया। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कुल 19 लोगों को सरकारी भाभा अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनमें से एक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शाहनवाज आलम के तौर पर हुई है। अधिकारी ने बताया कि फिलहाल केवल एक व्यक्ति का भाभा अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 17 अन्य घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सूत्रों ने बताया कि घायलों में से अधिकतर लोग बिहार के थे, जो एक साथ इस इमारत में रह रहे थे। उनके परिजनों की तलाश की जा रही है ताकि उन्हें हादसे से अवगत कराया जा सके। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में एक व्यक्ति ने एक युवती के साथ छेड़खानी की है। इतना ही नहीं, उसने युवती के साथ मारपीट भी की। उसने पीड़िता का बैग और मोबाइल भी छीन लिया। हालांकि चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर भागते समय उसे पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा प्रभा देवी से दक्षिण मुंबई में चर्चगेट जा रही थी, तब ये हादसा हुआ। तब वो डिब्बे में अकेली थी। उसी दौरान आरोपी पप्पू गुप्ता डिब्बे में आया और पीड़िता के बगल में बैठ गया, जिसके बाद पीड़िता वहां से उठकर डिब्बे के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। ट्रेन के चन्नी रोड स्टेशन पार करने के बाद आरोपी उठा और पीड़िता का बैग, मोबाइल फोन छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन छात्रा ने इसका विरोध किया। इस दौरान छात्रा डिब्बे में गिर गई। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को उसके बाल को पकड़कर खींचा, उसके होंठों को काटा और फिर उसका बैग तथा मोबाइल फोन छीन लिया। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने मदद के लिए शोर मचाया। ट्रेन के चर्चगेट रेलवे स्टेशन पहुंचने पर धीमे होते ही आरोपी कूद गया और भागने लगा। युवती की आवाज सुनकर स्टेशन पर मौजूद कुछ राहगीरों तथा पुलिस कर्मियों ने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। बाद में राजकीय रेलवे पुलिस ने गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 393 तथा 394 और रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुछ हफ्ते पहले टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल ने अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया था, और अब महिमा चौधरी ने अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में खुलासा किया है। महिमा चौधरी की कीमोथेरेपी हुई, जिसकी वजह से उनके सारे बाल चले गए, पर हिम्मत नहीं टूटी है। महिमा चौधरी ने ब्रेस्ट कैंसर की बात अपने पेरेंट्स से भी छिपा कर रखी। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर महिमा चौधरी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता रही है। वीडियो में महिमा चौधरी ने बताया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कब और कैसे पता चला। वीडियो में उन्होंने अनुपम खेर को बताया कि मेरे अंदर कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। मैं हर साल रूटीन चेकअप करवाती हूँ, जिसमें ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी सब होता है। जिस डॉक्टर ने मेरी सोनोग्राफी की, उसने मुझसे कहा कि आपको डॉक्टर मंदार को दिखाना चाहिए, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। मैं गई तो उन्होंने कहा कि हम बायोप्सी करेंगे।
बाकी और कुछ नहीं लग रहा है। ये प्री कैंसर सेल्स होते हैं जिन्हें DCIS कहते हैं। बायोप्सी करवाई तो उसमें कैंसर नहीं निकला, रिपोर्ट निगेटिव थी, पर मैं फिर उन सेल्स को निकलवाना चाहती थी। जब उन्होंने वो सेल्स निकाले और उनकी बायोप्सी की तो उन्होंने देखा कि एक हिस्सा कैंसर बन चुका था। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इन दिनों सुर्खियों में है। वो लंबे समय से फिल्मी पर्दे से दूर है, लेकिन अब शाहरुख खान बैक टू बैक अपनी फिल्मों का ऐलान करके फैंस को खुश कर रहे हैं। दूसरी तरफ शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान ने भी सिनेमा जगत में कदम रख दिया है। शाहरुख अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं। एक बार उन्होंने सुहाना खान के होने वाले बॉयफ्रेंड को धमकी दे दी थी। कहा जाता है कि शाहरुख खान शानदार अभिनेता होने के साथ साथ फैमिली मैन भी है। वो अपने परिवार की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। अक्सर वो अपने इंटरव्यू में अपनी पत्नी गौरी खान और बच्चों के बारे में बोलते हुए दिखते हैं। ऐसा ही करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में भी हुआ था। इस शो के एक एपिसोड में जब शाहरुख खान आए थे, तब करण ने अभिनेता से सुहाना खान के बॉयफ्रेंड से जुड़ा हुआ एक प्राइवेट सवाल किया था, जिस पर शाहरुख का जवाब सुन उनकी भी बोलती बंद हो गई थी। इस शो में शाहरुख खान आलिया भट्ट के साथ पहुंचे थे। इस एपिसोड में करण जौहर ने शाहरुख खान से सुहाना के फ्यूचर बॉयफ्रेंड से जुड़ा सवाल पूछा था कि क्या आपकी बेटी अभी 16 साल की है, क्या आप उस शख्स को मार देंगे अगर उसने आपकी बेटी को किस किया। करण के इस सवाल पर शाहरुख खान ने एक पल भी नहीं सोचा और बोल पड़े कि मैं उसके होंठ काट दूंगा। झारखंड के गुमला में भीड़ ने नाबालिग से गैंगरेप के दो आरोपियों को बाइक समेत जिंदा जला दिया। इनमें से एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तो हैरतअंगेज खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में सरकारी मुआवजे के लिए रेप केस दर्ज कराए जा रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ स्थित पंजाब CM के रेजिडेंस में कांग्रेसियों के धरने को लेकर बवाल हो गया है। पुलिस ने कई कांग्रेसियों को हिरासत में लिया है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की IFSO इकाई ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को नामजद करते हुए कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में FIR दर्ज की है। FIR में स्वामी यति नरसिंहानंद का भी नाम दर्ज किया गया है। तो उधर देश में राष्ट्रपति चुनाव 2022 के शंखनाद का व्यक्त आ गया है। चुनाव आयोग आज तारीख की विस्तृत कार्यक्रम का ऐलान करेगा। देश भर की 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। झारखंड के गुमला में भीड़ ने नाबालिग से गैंगरेप के दो आरोपियों को बाइक समेत जिंदा जला दिया। इनमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मामला जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर सदर थाना क्षेत्र के बसुआ पंचायत के एक गांव का है। मरने वाले युवक की पहचान सुनील उराव के रूप में की गई है। वही आशीष उराव नाम का युवक गंभीर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाबालिग अपने माता पिता के साथ लोहरदगा के भंडरा गई हुई थी। वापसी के लिए माता पिता बेटी के साथ बस स्टैंड पर खड़े थे, तभी गांव का ही एक युवक दोस्त के साथ बाइक पर पहुंचा। परिवार से पूछा कि वह लोग रास्ते में क्यों खड़े हैं। लड़की के पिता ने बताया कि बस का इंतजार कर रहे हैं। घर जल्दी पहुंचाने की बात कहकर दोनों युवक नाबालिग लड़की को अपने साथ बाइक पर लेकर निकल गए। देर शाम करीब 7 बजे जब माता पिता घर पहुंचे तो लड़की घर पर नहीं थी। इसके बाद परिवार के लोग लड़की को खोजने निकले तो वह पड़ोसी गांव में गंभीर हालत में मिली। लड़की ने अपने परिजनों को बताया कि दोनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद परिवार वाले दोनों युवकों को खोज निकले। पड़ोसी गांव में दोनों युवकों को बाइक के साथ घेर लिया गया। गांव वाले ने दोनों लड़कों को जमकर पीटा। इसके बाद बाइक सहित दोनों के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। मध्य प्रदेश में सरकारी मुआवजे के लिए रेप केस दर्ज कराए जा रहे हैं। यह सुनकर किसी को भी हैरानी होगी, लेकिन यह पूरी तरह सच है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार एट्रोसिटी एक्ट के तहत पीड़ित महिला को 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। इसी मुआवजे के लिए ऐसे झूठे रेप केस दर्ज कराए जा रहे हैं। एक पड़ताल में पता चला कि सागर की एक महिला ने एक व्यक्ति पर बेटी से रेप का मामला दर्ज कराया। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई और उसे जेल भेज दिया गया। जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो दलित महिला ने ट्रायल कोर्ट में कबूला कि साधारण झगड़े में उसने आरोपी पर अपनी नाबालिग बेटी से रेप का झूठा केस दर्ज करा दिया था। जब मामला जबलपुर हाईकोर्ट में पहुंचा तो 17 मई 2022 को हाईकोर्ट ने आरोपी को न सिर्फ जमानत दे दी बल्कि कहा कि ट्रायल कोर्ट रेप विक्टिम को राज्य सरकार से मिला मुआवजा वापस करने के लिए कहे। दरअसल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला से रेप होने पर राज्य सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। मामले में FIR दर्ज होने पर 1 लाख और कोर्ट में चार्जशीट पेश होने पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी 3 लाख रुपए तो सजा होने से पहले ही दे दिए जाते हैं। अगर आरोपी को सजा होती है तो पीड़ित को 1 लाख रुपए और दिए जाते हैं। सजा न भी हो तब भी पहले दिया गया मुआवजा वापस नहीं मांगा जाता। आंकड़े बताते हैं कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज रेप के मामलों में हर 5 में से 4 आरोपी बरी हो रहे हैं। चंडीगढ़ स्थित पंजाब CM के रेजिडेंस में कांग्रेसियों के धरने को लेकर बवाल हो गया।
हालात इस कदर बिगड़े कि चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग में धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। उन्हें बस में भरकर पुलिस थाने ले गई। कांग्रेसी सीएम भगवंत मान से मिलने आए थे। उनका कहना था कि पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और संगत सिंह गिलजिया पर राजनीतिक बदलाखोरी के तहत केस दर्ज किया गया। इसका जवाब भी अब सीएम भगवंत मान ने दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि बिना समय पर लिए पंजाब के बचे कुछ कांग्रेसी मेरे घर पर आ गए। वह रिश्वत के केस का सामना कर रहे लीडरों के हक में आए थे। पंजाब को लूटने वालों का साथ देना सबूत है कि रिश्वत इनके खून में है। वह नारे लगा रहे थे कि साडे हक एथे रख, इसका मतलब रिश्वतखोरी भी कांग्रेस का हक है। हिरासत में लिए कांग्रेसियों में पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, विधानसभा में विपक्षी दल नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के अलावा कई नेता शामिल है। कांग्रेस के सीएम भगवंत मान से मिलने पहुंचे थे। उनका कहना था कि सीएम ने सुबह 10 बजे का समय दिया था, इसके बावजूद उन्होंने मुलाकात नहीं की। उल्टा उन्हें सीएम हाउस के अंदर बुलाते वक्त जलील किया गया। उनकी तलाशी ली गई और मोबाइल बाहर रखवा लिए गए। पुलिस ने उन्हें 1 बजे मुलाकात का वक्त दिया, लेकिन कांग्रेसी नहीं माने, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस की IFSO इकाई ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को नामजद करते हुए कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में FIR दर्ज की है। ओवैसी के खिलाफ FIR होने के बाद AIMIM कार्यकर्ताओं ने पार्लियामेंट थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। FIR में स्वामी यति नरसिंहानंद का नाम भी दर्ज किया गया है। ओवैसी और स्वामी नरसिंहानंद के अलावा दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार बीना, पूजा शकुन पांडे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि सभी आरोपी कथित रूप से नफरत के संदेश फैला रहे थे, विभिन्न समूहों को उकसा रहे थे और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे थे जो शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक है। मालूम हो कि बीते दिनों पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही दिल्ली मीडिया सेल के प्रमुख नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद नूपुर शर्मा ने कहा था कि वे पार्टी के निर्णय को स्वीकार करती है और उसका सम्मान करती है। उन्होंने कहा था कि मैं संगठन में व्यवहारिक रूप से पली बढ़ी हूँ, मैं उनके निर्णय को स्वीकार करती हूँ और उसका सम्मान करती हूँ। देश में राष्ट्रपति चुनाव 2022 के शंखनाद का वक्त आ गया है। चुनाव आयोग आज तारीख व विस्तृत कार्यक्रम का ऐलान करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव 2017 में मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी। तब 50% वोट सत्तारूढ़ राजग के पक्ष में थे। साथ ही क्षेत्रीय दलों में भी अधिकतर दलों का समर्थन मिल गया था। इस बार भी कुछ क्षेत्रीय दलों की मदद से NDA अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुनने के करीब है। हालांकि अगले कुछ दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद इसकी पूरी तस्वीर साफ होगी। बता दें कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। इनमें लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 राज्यसभा सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। वहीं 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी 540 सांसद हैं। 3 सीटें खाली हैं, इन पर भी चुनाव की प्रक्रिया जारी है। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सभी खाली सीटों पर उपचुनाव हो जाएंगे। चुने गए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान से उपजे विवाद पर विराम लगता नहीं दिख रहा है। भारत समर्थक जहां इस मुद्दे को खत्म करने की सलाह दे रहे हैं, वहीं पाक समर्थक देश विवाद को हवा दे रहे हैं। अब इस्लामिक देशों में अगुवा बनने की कोशिश कर रहे कतर ने कहा है कि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का अपमान है। हालांकि NSA अजीत डोभाल ने ईरान को भरोसा दिया है कि दोषियों को ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी जो दूसरों के लिए सबक होगा। वहीं विवादित बयान को लेकर पाकिस्तान के एक पत्रकार ने भाजपा की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा का समर्थन किया है, तो खुद पाकिस्तान अपने यहाँ हिंदू और सिखों के पूजा स्थलों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। खबर है कि कराची के कोरंगी इलाके में श्री मरी माता मंदिर में मूर्तियों पर हमला हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान में बिजली संकट को देखते हुए सरकार ने रात 10 बजे के बाद शादी समारोह पर रोक लगा दी है। दुनिया भर की 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर BJP नेता नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर खाड़ी देशों में कतर ने सबसे तीखी प्रतिक्रिया जताई। कतर ने न केवल भारतीय राजदूत को तलब किया बल्कि भारत सरकार से माफी मांगने के लिए भी कहा। इस्लामिक देशों में अगुवा बनने की कोशिश कर रहे कतर ने कहा कि यह पूरी दुनिया के मुसलमानों का अपमान है। यही नहीं, कतर में भारतीय सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया।
विश्लेषकों का मानना है कि पिछले 11 सालों से कतर अब पाकिस्तान और तुर्की के साथ रक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था को लेकर गठजोड़ बढ़ा रहा है। इनके निशाने पर भारत और सऊदी अरब की दोस्ती है, यही वजह है कि भारत के साथ कतर की दूरी बढ़ती जा रही है। वहीं कतर भारत के खिलाफ जहर फैलाने में पाकिस्तान और तुर्की की मदद कर रहा है। ये तीनों देश खाड़ी देशों और दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक स्थिति में आए बदलाव को देखते हुए एक गठजोड़ बना रहे हैं। दरअसल कतर और तुर्की की सऊदी अरब और यूएई के साथ नई पट्टी है, वही भारत सऊदी अरब और यूएई के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यही वजह है कि कतर तुर्की अब पाकिस्तान से दोस्ती मजबूत कर चुके हैं। कतर और तुर्की दोनों ही मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहते हैं, लेकिन सऊदी अरब और ईरान से उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान से उपजे विवाद का मुद्दा ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन के भारत दौरे के दरमियान भी उठा। ईरान की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि एनएसए अजीत डोभाल ने भरोसा दिया है कि दोषियों को ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी जो दूसरों के लिए सबक होगा। भारत सरकार पैगंबर मोहम्मद का सम्मान करती है और गलत करने वालों से इतनी सख्ती से निपटा जाएगा जो दूसरों के लिए सबक होगा। अब्दुल्लाहियन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया कि विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियन का स्वागत कर बहुत खुशी हुई। हमने भारत तथा ईरान के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और आगे ले जाने के बारे में उपयोगी बातचीत की। हमारे संबंधों ने दोनों देशों को आपसी लाभ पहुंचाया है और इससे क्षेत्रीय सुरक्षा एवं समृद्धि को बल मिला है। ईरान के मुताबिक अब्दुल्लाहियन ने भारत के लोगों और भारतीय सरकार के अधिकारियों में पैगंबर के प्रति सम्मान की भावना की तारीफ की। ईरानी विदेश मंत्री ने इस मसले पर मुस्लिमों की संवेदनशीलता पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों पर भारत की कार्रवाई को लेकर संतोष जताया। ईरानी विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष एस जयशंकर से भी मुलाकात की और अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच चाबहार पोर्ट के जरिए कनेक्टिविटी को और भी बढ़ाने पर चर्चा हुई। भाजपा की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए विवाद बयान पर हुए तमाम विरोध के बीच उन्हें एक पत्रकार का समर्थन मिला है। पाकिस्तान की पत्रकार तहा सिद्दीकी ने नूपुर शर्मा का समर्थन किया है। हालांकि नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन करना पाकिस्तानी लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, लोग उनकी जमकर भर्त्सना कर रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार तहा सिद्दीकी ने अपने ट्वीट में कहा कि नूपुर शर्मा और भाजपा पर हमला करने की बजाय हदीस की पुष्टि क्यों नहीं करते, मुस्लिम नेताओं को इसके लिए आगे आना चाहिए और अगर ये गलत है तो इसे तुरंत बुखारी से हटा देना चाहिए जिससे कोई भी मजाक नहीं बना पाएगा। सिद्दीकी के ट्वीट करते ही पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स तहा सिद्दीकी के बयान पर बुरी तरह भड़क गए। उनके इस बयान पर कुछ लोगों ने उन्हें अल्लाह से डरने को कहा तो वही कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्हें कुरान और हदीस को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और पैगंबर मोहम्मद के बारे में जानना चाहिए। नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले तहा सिद्दीकी अकेले नहीं है। इससे पहले नीदरलैंड के सांसद गिल्ट विल्डर्स ने खुलकर उनके बयानों का समर्थन किया था। सांसद गिल्ट विल्डर्स ने कहा कि यह बहुत हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नूपुर शर्मा के पैगंबर के बारे में सच बताने पर भड़के हुए है। आखिर भारत क्यों माफी मांगे। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के बयानों पर भारत को ज्ञान दे रहा है, लेकिन उसके अपने मुल्क में हिंदू और सिख जैसे अल्पसंख्यकों और उनके पूजन स्थलों की स्थिति बेहद दयनीय है। खबर है कि कराची के कोरंगी इलाके में श्री मरी माता मंदिर में मूर्तियों पर हमला हुआ है। श्री मरी माता मंदिर कोरंगी पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर जे इलाके में स्थित है। मंदिर पर हमले की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मंदिर का निरीक्षण कर घटना की जानकारी ली। खबर के अनुसार घटना के बाद कराची के हिंदू समुदाय में डर और घबराहट का माहौल है। खासकर कोरंगी इलाके में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। इलाके के निवासियों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर 6 से 8 लोग इलाके में आए और मंदिर पर हमला कर दिया। इसके पहले भी कोरंगी में भीड़ ने हनुमान मंदिर पर हमला किया था। तब हमलावरों ने न सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की बल्कि लूटपाट को भी अंजाम दिया था। लरकाना में भी मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। अक्टूबर में कोटरी में सिंधु नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक मंदिर पर अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान में बिजली संकट को देखते हुए सरकार ने रात 10 बजे के बाद शादी समारोह पर रोक लगा दी है। साथ ही शादी में आए मेहमानों को केवल एक डिश परोसने की अनुमति दिए जाने की खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निर्देश पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में बिजली कटौती की समस्या बेहद गंभीर हो चली है। यह देश बीते एक महीने से इस समस्या से जूझ रहा है।
वैश्विक ईंधन की कीमत में वृद्धि, स्थानीय मुद्रा की कीमतों में गिरावट और गर्मी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की वजह से पाकिस्तान में बिजली की मांग बढ़ रही है। सरकार ने पुलिस और प्रशासन से प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कार्यालयों में शनिवार को साप्ताहिक अवकाश बहाल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने एक महत्वपूर्ण केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री शरीफ की अध्यक्षता में भी बिजली की बचत को लेकर बैठक हुई थी। इस बैठक में विद्युत विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की आसमान छूती कीमतों के बीच बिजली की कमी से निपटने के लिए एक ऊर्जा संरक्षण योजना प्रस्तुत की और समस्याओं से निपटने पर बल दिया। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।